दूसरे का मान के फोटो कॉपी कराओ, वही लेक्चर का नोट्स होना चाहिए, दूसरा नहीं की पढ़ा कुछ और रहा है नोट्स को, ये और फोटो कॉपी कराने का लिखने का टाइम बचा। अब इतना लास्ट में पढ़ो कि रिवाइज नहीं करना पड़े, रिवीजन का टाइम बचा, ऐसा अभी पढ़ेंगे फिर रिवाइज करना पड़ेगा। अच्छा उस टाइम प्रॉब्लम प्रैक्टिस कैसे करें? अच्छा प्रॉब्लम प्रैक्टिस या तो अच्छा से पहले तो समझने का जो भी पढ़ रहे हैं, इस हिसाब से मतलब समझ जाएगी, मतलब ऐसा नहीं हो कि थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है फिर प्रॉब्लम से देखे कि नहीं बन रहा है फिर उससे समझे, तो वैसे भी मतलब ढंग से समझो कि बात क्या है, फिर कुछ एक प्रॉब्लम जो नहीं बनेगा उसमें देखने का कि काहे नहीं बन रहा, मतलब एनालाइज सही से करो कि प्रॉब्लम मेरा नहीं बना है तो इस कारण से नहीं बना होगा या उस कारण से नहीं बना होगा। अच्छा इस टाइम में पीवाई क्यूज करना ज्यादा सही रहता है या फिर आखिर में मेनली हम तो वही किए थे जो क्लास में पढ़ाई हुआ था और पीवाई क्यू किए थे। अच्छा मतलब हम हर मतलब जो चीज कम भी कर रहे हैं उस पे मतलब मीन ज्यादा एनालाइज कर लो, कहे कि वो उतना टाइम नहीं है करने का, अगर तब उतने में से ही सारा एक्सपीरियंस निकालना पड़ेगा जो एक आध महीना है उसमें से, कि भले हम पांच क्वेश्चन ही बना रहे हैं लेकिन वो पांच क्वेश्चन मतलब पहले तक आसान वाला क्वेश्चन जो जनरल वाला है उसको ज्यादा भी नहीं बना रहे, मतलब जो ऊपर ऊपर से है ऐसा नहीं कि पेन पेपर लेके बैठ के एक घंटा बना रहे, ऊपर से देखे कि ऐसे करने पैसे हो जाएगा कितना सब्जेक्ट ऐसा है जो तुम पढ़ो तो बन जाएगा, मतलब ऐसा लेवल नहीं था कि इसी पे फोकस करें, तो पहले तो एम ही नहीं रखना चाहिए कि कुछ छोड़ना है, देखो अब आखिर का समय है, जितना समय दिन रात दे सकते हैं दिन रात देने का, छोड़ने का क्या बात आ गया उसमें, अब मतलब लगेगा कि नहीं हो पाएगा, अब टाइम इतना नहीं बचा है, लेकिन अब देखो कि अब 10 ही दिन में करना है तो 10 दिन में कैसे होगा, नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, अब टाइम उतना ही मेरे पास इस पेपर का नोट्स नहीं बनाते, किसी से फोटो कॉपी कर लिए जो वही आदमी जो वही टीचर से पढ़ा है उसका नोट्स फोटो कॉपी कर लिया, लिखने में समय बचा, फिर हाँ मैनेज करो कि जैसे ही पेपर पहले पढ़े हुए हैं तो उसका दिन में कुछ देर रिवीजन कर रहे हैं, दिन में कुछ देर नया पेपर पढ़ रहे हैं, आखिर समय तक नया पेपर हम पढ़े थे इसलिए गए कि मतलब नया पेपर फ्रेश था थोड़ा मेरा पढ़ने पे, और हम सारे पेपर एक साथ पढ़ते हैं फिर सारे का रिवीजन करने जाते तो कभी खत्म नहीं होता, तो जो कर रहे थे उसका रिवाइज कर के साइड में और नया भी चल रहा था, तो नया को मतलब ज्यादा रिवाइज करने में हमको टाइम नहीं देना पड़ा, मतलब सोच के चलने का कि क्या क्या जैसे मॉक टेस्ट दिए तो मॉक टेस्ट अब ज्यादा हम नहीं दे सकते समय नहीं है, समय नहीं है तो उतना ही मॉक में हाँ दिन मतलब लगाओ कि क्या गलती हो गया एक मिनट थोड़ा हाँ बात सही कर लो, क्या है कि उतना ही मॉक टेस्ट में क्या गड़बड़ है सही है वो देखने का, कि जैसे एक ही मॉक दिए अगर लेकिन अब उस मॉक में क्या क्या गड़बड़ हो गया लिख ला के एक बराबर कर लो, कि मतलब अच्छे से एनालाइज कर लो कि क्या एक एक चीज की हमको टाइम लगा तो लगा किस में, हम कुछ कुछ गलत हुआ तो गलत किस लिए हुआ जबकि हमको आता था वो चीज लेकिन हम किस लिए क्वेश्चन पढ़ हम गलत रहे हैं कभी या फिर कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं हाँ तो क्या करने पे नहीं करेंगे ये सोचो कि नहीं, अब हम कभी कभी हम क्या करते थे जल्दी के चक्कर में हम क्वेश्चन शुरू में क्या बोला तो मतलब शांत भी रहना है और इतना भी पैनिक नहीं करना है और टाइम भी बचाना है
फिर ई देखें कि जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसमें बिना उतना मेहनत के कॉपी पेन उठाए डायरेक्ट अपने को मिल रहा है इसमें। हाँ, मतलब कोई कोई है कि कोई दो नंबर बहुत आसानी से मिल रहा है। हाँ, कोई दो नंबर के लिए बहुत मेहनत तो तुम्हारा दिमाग लगा के काम करना है। अगर ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो उसको फिलहाल के लिए स्किप कर देना। मतलब कि अगर जैसे एक क्वेश्चन जैसे था आपने क्या एक नंबर के लिए 1.8 मिनट के आसपास कुछ ऐसा हिसाब था साइड तो मतलब कुछ ही टाइम है अपने पास 108 सेकंड कुछ था ऐसा याद नहीं अब तो कुछ ही टाइम है। ऐसा भी नहीं कर सकते कि क्वेश्चन मुश्किल है पूरा पढ़ने के बाद फिर थोड़ा सोचने के बाद सोचे कि बाद में करेंगे तो भी टाइम गया। वो भी टाइम गया। जल्दी एनालाइज कर लेने का कि ये अभी बनाएगी नहीं। इसमें पैनिक नहीं करेगी हम 5 क्वेश्चन एक साथ स्किप कर दिए सोच के। अगर हम कम टाइम ले रहे हैं स्किप करने में तो कोई बात नहीं तब वो अच्छा है। फिर न्यूमेरिकल आंसर में हाँ बहुत बड़ा गलती है न्यूमेरिकल आंसर में कैलकुलेशन में बहुत बड़ा गलती हो जाता है कि सब आ रहा है इतना आसान क्वेश्चन है लेकिन आखिर इधर ऑप्शन नहीं मिलाना है इधर नंबर डालना है तो नंबर डालने में हो जाता है कि कभी कुछ गलत डाल दिए कभी कुछ गलत कैलकुलेट कर दिए। अच्छा कैलकुलेटर को ऑपरेट करने में कभी दिक्कत हुई आपको वर्चुअल? हाँ एग्जाम में ही हुआ था ना मेरा इसीलिए मेरा न्यूमेरिकल आंसर अटेम्प्ट ही नहीं हो पाया मेरा ज्यादा। मतलब हम पहले से सीख के गए थे वर्चुअल कैलकुलेटर यूज किया था पहले। हाँ मतलब पता था कि ये होता है मतलब सोच तैयारी कर गई हम गए थे कि वर्चुअल कैलकुलेटर यूज कैसे करना है। हाँ। लेकिन फिर वहाँ नहीं कर पाए। हाँ मतलब वहाँ कर पाए लेकिन था कि कोई कोई चीज था जिसमें लंबा सा कैलकुलेशन था ई के पावर इतना। हाँ। अब उसमें बहुत सारा डिजिट लिखना था। हाँ। और इसमें है क्या कि हम ई के पावर इतना पे लिखे और एक हमको लगा कि हम गलत लिख दे अगर तो हमको फिर सब कुछ शुरू से लिखना पड़ेगा। लेकिन अब हमको क्या लगा करता था कि क्वेश्चन में क्या ही है बस ये कैलकुलेट करने में ही करेंगे और आंसर आ जाएगा तो हम बीच में छोड़ना नहीं चाहते थे तो इस कारण से उस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया। बस कहाँ जा रहे फिर चलते हैं बस हो गया। अरे तो पंकज आ क्यों रहे यार अंदर आ तो सही दो थैंक यू आर्यन भाई। अरे यार सही है आज का तो प्रोग्रामिंग का उधर सेशन था थोड़ा सा अपना कोर सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं क्लियर। उधर पीछे हॉस्टल चलना है क्या चलते हैं ऐसे स्वयं देख सकते हैं। चले आते हैं चाय वाय पी आते हैं। मैं भी अब लाइव स्ट्रीम फिर से आ जाऊँ वापस लाइव नहीं। यार आर्यन ने भाई बहुत बढ़िया इंटरव्यू दिया भाई सच में। वो तो अपलोडेड ही है वो तो लाइव था जो चलो वो तो लाइव की स्ट्रीम तो लाइव स्ट्रीम रहेगी तो उसमें का वीडियो बनाना पड़ता है ना लाइव स्ट्रीम का आती करने के लिए। नहीं साइड में दिखाएगा। हाँ वो साइड में दिखाएगा आप लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तो वो परमानेंट रहेगा। हाँ नहीं उसमें मेन वीडियोस के अंदर नहीं रहेगा बट लाइव के अंदर रहेगा। किधर है किधर हल्ला हो रहा था
क्या लेने दूं? चॉकलेट लिया हूँ चार। चार चॉकलेट, चार चॉकलेट, हाँ, और एक एपी फिज दे दो। एक फिज, फिज ठंडा नहीं। कितना? 125। ये ठंडा है, ठंडा नहीं है ऐसे। इस पर डाल करो मेरे को कैंसिल कर दे, क्योंकि चॉकलेट ले लो। नहीं यार, फिज पीना। पेमेंट कर दे? हाँ मैं कर दूँगा। और 125 ना।